जी सर। पर जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने साल 2021 के आखिरी कारोबारी सप्ताह में बताया था कि 2022 में मसालों में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल सकती है, वही हम 2022 की आज शुरुआत में देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वायदा 8,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 9,100 का हाई लगा चुका है, लगभग 1.5% की तेजी है। देख रहे हैं धनिया का जनवरी वायदा एक बार फिर से 9,000 के ऊपर निकला है। जीरे में भी शानदार बढ़त है, जीरे का जनवरी वायदा 16,555 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 16,630 का हाई लगा चुका है, लगभग 2% की तेजी है। और जो हल्दी है 9,914 पर ट्रेड करती नजर आ रही है और 9,992 का हाई लगा चुकी है, 3% से ज़्यादा की तेजी हल्दी के अंदर देखने को मिल रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में काफ़ी शानदार तेजी बनती नजर आई है, खास करके हल्दी में 10,000 के बहुत बेहद करीब है। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में यहाँ से तेजी अब बनना शुरू हो चुकी है? देखिए बिल्कुल अखिलेश, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि मसालों में बाइंग कीजिए, अब मसालों में रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है और आज आप देखिए अच्छी खासी तेजी, और सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो हल्दी करती दिखाई दे रही है। हल्दी के साथ साथ जीरे में भी रैली आई है और धनिया ने भी 9,000 के करीब पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि सभी मसालों में एक अपसाइड मोमेंटम है। अब हल्दी का अगर 10,000 के ऊपर निकलती है तो 10,500 से लेकर 10,800 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि मसालों में अभी जो तेजी है वो अभी कुछ टाइम तक जारी रह सकती है, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे मसालों की वो पिकअप होना शुरू हो जाएगी। और अभी जो एक्सपोर्ट के आंकड़े निकल कर सामने आए थे वो भी ठीक ठाक ही थे, हालांकि पहले से कम ही एक्सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन आंकड़े ठीक ठाक ही थे। तो डोमेस्टिक लेवल पर भी सपोर्ट रहेगा वेडिंग सीजन के मद्देनज़र, और दूसरा एक्सपोर्ट डिमांड भी मसालों में अब धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगी। अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।